हेलो डियर गाइस, आप सभी कैसे गाइस? जो मोस्ट वेलकम है सो गेमर चैनल गाइस। आज क्या डिस्कस करेंगे, जो लास्ट वीडियो डिस्कस किया हमने कि डबल डिफरेंटिएशन कैसे करते हैं, उसी बेस पे आज हम आपके बोर्ड पे दो क्वेश्चन है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस पे क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करके एक क्वेश्चन आप प्रूव करेंगे। तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं जुड़ जाइए फटाफट, और जो बच्चे अगर नहीं जुड़े हैं उनको लिंक भेजिए डिस्क्रिप्शन में। और खासकर आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का अलग लिंक है, उस लिंक क्या है, मैंने एक नया ग्रुप क्रिएट किया है ओनली फॉर मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए। जो 2020 में बच्चे अपीयर हो चुके हैं, एनी एग्जाम सीबीएसई हो, यूपी हो या एनआईएस हो, ठीक है, जिनका एग्जाम जो है हमारे इस मई के अंदर अंदर है, जिनके भी एग्जाम होने वाले वो सब जुड़िए। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वहां भेजिए, बाकी चीज हम डिस्कस करते हैं। और हम इन टॉपिक को डिस्कस करने के बाद एंड में हम 5, 5, 6, 10 सैंपल पेपर भी हम सॉल्व करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए जुड़ना है मेरे साथ और वीडियो को प्लीज शेयर करना है। जितने बच्चे इस बार हमारे बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं उन वहां तक वीडियो पहुंचना चाहिए, और उतने मेरे सब्सक्राइबर होने चाहिए और लाइक भी होने चाहिए, ताकि मुझे मोटिवेट मिले। आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपको और बेहतरीन से बेहतरीन चीजें आपको पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। चलिए आज हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करना है जानते हैं, बोर्ड पे लिखे इन दो क्वेश्चन को, उसके बाद हम एक क्वेश्चन और प्रूव करेंगे, चलिए ठीक है। समझदार चीजों को समझो कैसे, वन बाय वन टॉपिक डिस्कस किए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो टॉपिक के साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते, इसी बेस पर क्वेश्चन जहां पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट दो और वीडियो है, इसी में डिफरेंटिएशन पे चलेगा डबल पे, और हमारा वेक्टर साथ में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद बनने वाले हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, क्या हो रहा है डबल डिफरेंटिएशन। डबल डिफरेंटिएशन फाइंड करने के लिए मुझे पहले इसका फर्स्ट डिफरेंटिएशन फाइंड करना होगा। चलिए फाइंड कीजिए, इसके रिस्पेक्ट करेंगे हम एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। सो हियर फाइंड डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिवाइड बाय dx, डी स्क्वायर डी एन एक्स। तो क्या है यहां से dy अपॉन ए डी एक्स, इसका क्या आएगा, इससे करेंगे a इज कॉन्स्टेंट बार, और एम एक्स में क्या आएगा, एक और m आएगा, मतलब क्या आपका आएगा a n आपका आ mx। बोलो मानिएगा a कॉन्स्टेंट बार है, एमएस के डिपेंड क्या हुआ, एमएस हुआ, और जब करेंगे एमएस का तो क्या उसका आएगा एम, तो एम भी क्या आपका बारिश एमएस डिप्टो सेम काम यहाँ पर हुआ, क्या हुआ डी बार है और ई पावर एन एक्स का डिपेंड कितना हुआ, ई पावर एन एक्स और एन एक्स कितना हुआ एन, तो एन बार आया क्या आपका डी एन ई पावर एन एक्स, ठीक है, ई पावर आपका आएगा एन एक्स। अब डिटो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे डबल डिफरेंटिएशन में, तो मेरा वैल्यू इसकी आ जाएगी। चलिए वो भी काम हम यहीं पे डायरेक्टली करके देखते हैं कैसा आएगा। अगेन से अगर करें इसको हम, क्या डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका क्या आएगा डी अपॉन डी एक्स, एक काम करो ना डायरेक्ट ए एम को बाहर को डी अपॉन डी एक्स करो, डिफरेंटिएशन क्या आएगा ई पावर एम एक्स प्लस डी एन बार को डी अपॉन डी एक्स, अरे डी एन क्या आपका कॉन्स्टेंट ना, इसलिए बाहर रखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स की पावर एन एक्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आपका ऐसा आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो क्या आपका जाएगा वो आपका जाएगा ए एन बार है और इसका क्या आ रहा है ये प्लस एन, मतलब कितना आ गया ए ए एम स्क्वायर बार आपका आ गया एम एक्स। फिर आप बच्चे देखो ये ए एम पहले से बाहर है, जब ई की पावर एम एस किया पावर एम एस एक्स का डिफरेंटिएशन आपका ई पावर एक्स ही होता है, और जब करेंगे इसका तो क्या आएगा एम आएगा, तो एम का आपका बाहर आ गया, इसलिए आपको हो गया एम इंटू एम क्या हो गया एम स्क्वायर। डिटो सेम का क्या होगा, क्या होगा बी स्क्वायर सॉरी बी
बी एन स्क्वायर इक्वल आपका आ गया एन एक्स, बोला जाओ वही हुआ। और देखो यही आपसे पूछा है कि टी स्क्वायर वाई अपॉन में टी एक्स स्क्वायर क्या हुआ, अगर यही क्वेश्चन मल्टीपल चलेगा तो चार क्वेश्चन में से आप कहेंगे ऑप्शन होता तो आप डायरेक्ट टिक लगाते और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। चेक करो कुछ कॉमन है इसे, कुछ कॉमन है चेक करो यहां से, देखिए कुछ कॉमन नहीं है, ए ए एम स्क्वायर ए ई कॉमन नहीं, एम ई कॉमन नहीं, एम एक्स यहां से अगर देखिए एम एक्स को कॉमन ले यहां एम नहीं है, ठीक है। तो ऐसी हम इसको हम डायरेक्ट यहां भी आपको क्या है प्रॉपर आपका इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा ये वाला क्या होगा डबल डिपेंडेंस हमने पार्ट कर दिया, ठीक है। चलिए आप करते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट करते हैं, उसको सवाल भी करना है प्रूफ भी करना है इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन होगा कि ऑप्शन ए बी सी डी मतलब नॉन नॉन ऑफ जिसका पता है कुछ भी नहीं होगा इन चारों ऑप्शन में से उसको बोलते हैं नॉन ऑफ दिस, क्या बोलते हैं नॉन ऑफ दिस। तो नॉन ऑफ दिस का मतलब ही होता है नॉन ऑफ दिस का मतलब ही होता है कि इसमें से कोई भी एक फंक्शन आपका नहीं, कोई भी एक फंक्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन फर्स्ट आप इसे बैठ के बिल्कुल बनाएंगे ये एफ डैश एस का जानते हो क्या होता है फर्स्ट डिपेंडेंशियल और ये एफ एस क्या आपको क्यों बना इसका डिपेंडेंशियल फाइंड करोगे। देखिए एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स आप कहोगे सर
बच्चे आपका वो सब कुछ आपको मालूम है, मालूम नहीं, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, जो जो रिक्वायर है वो कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका प्रूफ हो जाएगा, कोई इसमें वो नहीं लगाना है, इतना ज्यादा हमें माइंड का यूज नहीं करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, आंसर प्रूफ करनी है। क्या ये प्लस में है माइनस में है? देखो ये उधर माइनस में है, इधर क्या जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस में क्या पाया प्लस, क्या कहता है माइनस में पाया प्लस, प्लस का है इधर क्या होगा माइनस का हो गया एस एफ डैश एक्स, इसका क्या आपका आ गया वन, तो क्या होगा ऑप्शन वन, तो इसका वैल्यू क्या होगी ऑप्शन में आपका ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आते हैं टू मार्क्स के, ऐसे क्वेश्चन आपके जो है वो आते हैं टू मार्क्स के, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं प्रूफ टाइप क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलिए आपके बोर्ड पे अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है थ्री मार्क्स में, इस टाइप क्वेश्चन करने के बाद आपके थ्री मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करके क्वेश्चन प्रूव कर देंगे। चलिए कैसे करना है इसको अब हम समझते हैं कि अगर फंक्शन वाइज का क्या है, ये है sin 5x माइनस 3 cos 5x, तो प्रूव करना है कि d स्क्वायर वाई कोड में dx स्क्वायर, और ये क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार बुक है विद्यागिरी उस बुक में जो आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये IIT में आया हुआ है 1985 में, इतना स्क्वायर जो आपका क्वेश्चन क्या कहने वाला है, यदि ऐसा आता है कि इतना स्क्वायर क्या होगा ये फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, तो हमें उस ऑप्शन को हमने क्वेश्चन बनाया है कि यहाँ पे जीरो है, ये आप ऑप्शन में इसका आंसर आ लो क्या होगा तो जीरो होगा, इसलिए जीरो हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे चलिए इसको हम समझते हैं, यहाँ आप पूछता ये क्या हुआ ऐसे क्वेश्चन नाम आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगी जीरो आएगी, अब वो कैसे आएगी वही हमें प्रूव करना है, वही हमें प्रूव करना है कि जीरो आएगी तो कैसे आएगी। पहले क्या करते हैं इसका फर्स्ट डिफरेंटिएशन फाइंड करेंगे, ग्राफ पे करेंगे हम सेकंड डिफरेंटिएशन, क्या आएगा डी अपॉन में डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स साइन साइन फाइव एक्स माइनस डी अपॉन में डी एक्स थ्री कॉस फाइव एक्स, ओके कोई डाउट तो नहीं है और अच्छे, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स साइन फाइव एक्स का डिफरेंटिएशन कितना हुआ कॉस फाइव एक्स, और फाइव ऐसे कितना हुआ फाइव होगा, तो कितना आया आपका आ गया फाइव कॉस फाइव एक्स माइनस कॉस फाइव एक्स का डिफरेंटिएशन कितना हुआ माइनस का साइन फाइव एक्स, और इसे कितना हुआ फाइव, मस्त कितना आ गया आपका जाएगा माइनस का 50 साइन 5x, ओके यहां से सॉल्व करेंगे तो 5 cos 5x प्लस 50 साइन 5x, यार कॉमन से बात थ्री आपका कॉमन है, जब cos 5x डिफरेंट कितना आपका करोगे क्या आपका आएगा साइन 5x करोगे, और इसका कितना आएगा 5, तो इसका सेम टू जाएगा माइनस, क्योंकि साइन कॉस का डिफरेंटिएशन साइन जो होता है वो आपका आता है माइनस में, इसलिए क्या होगा माइनस, और ये माइनस करने क्या आपका होगा प्लस हो गया। छोटी छोटी चीजें हम पांच ऑलरेडी इसका हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमें एक चीज प्रूफ करनी है, तो आप समझो जिन बच्चों ने पेज और एक्सपीरियंस किया उसको एक्सेस करें और समझ जाके जाकर देखे कैसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व किए, कितना हो गया यानी कि आपका है फाइव कॉमन है, यानी कि आपका है फाइव जो आपका है कॉमन है, फाइव क्या आपका कॉमन है, यहाँ कितना आया आपका पड़ेगा थ्री साइन फाइव एक्स प्लस कॉस फाइव एक्स, पूरा ऐसा हो गया, और ये फंक्शन किसको कर रहा है डिट वाई कर रहा है, बट मुझे कह रहा है इसका क्या आगे से है डबल डिफरेंटिएशन फाइंड करनी है। चलिए अब फिर से करते हैं क्या डी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका तो क्या आएगा डी अपॉन डी एक्स फाइव थ्री साइन फाइव एक्स प्लस कॉस फाइव एक्स करेंगे हम डिफरेंटिएशन, तो यहां से फंक्शन क्या आपका आएगा वो चीज देखो, हमें चीजें प्रूव करनी है तो प्रूव करनी है, अब कैसे करनी है
ये आपको समझना है और हमें आपको समझाना है, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। ये इतना आ गया कि 5r3 sin 5x + cos 5x ये किसको करेगा एडिट, ये फंक्शन जो है किसको करेगा एडिट, बताओ जल्दी बोलो। तो यहां देखें ये आपका बच्चे 5 है, यहां पर कितना है 5x है, तो 5 क्या बाहर है अगेन से करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, यही बात प्लस आ गया है, इसका क्या आपका आ गया है प्लस, करो चलो। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर वो क्या आएगा 5 बाहर है और इसका करोगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा डी अपॉन में डी एक्स डी, एक काम करो इसमें तीन मार दो प्लस साइन 5x + d upon v dx cos 5x, ओके देखो कितना है डी स्क्वायर वाई अपॉन वी डी एक्स स्क्वायर, 5 के बाहर है क्या इसका हुआ साइन एक्स कितना होता है कॉस एक्स, 5 कितना 15 मतलब कितना आपका हो गया 15 cos 5x, ओके और cos 5s का डिफरेंस कितना होगा माइनस में आएगा, कितना आएगा माइनस का 5 sin 5x, आगे से करना क्या आपको 5 लेंगे कॉमन क्या लेंगे 5 आपको लेंगे कॉमन, 5 कितना आ गया आपका 25, कितना आ गया 5 पर 25 और कितना है 3 क्या आपका है 3 cos 5x माइनस का आएगा sin 5x, ठीक है। और मुझे फंक्शन क्यों चाहिए प्लस क्यों चाहिए, देखो ये y फंक्शन कब करेगा एडिट, जब मेरा क्या हो ये 3 cos 5x का माइनस में क्या आ रहा हो प्लस में हो, करना क्या आपको यहां से माइनस में ये कॉमन ये आपका हो गया प्लस का ये आपका हो गया माइनस का और ये पूरा फंक्शन क्या करना आपको y को एडिट करना है क्या यहां से डी स्क्वायर वाई पॉइंट में डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 25y, ऐसा हो गया इस फंक्शन को क्या लगा इस फंक्शन को लगा तो क्या लगा से स्पेस लिए तो स्पेस लगा है क्या लगा से डी स्क्वायर वाई पॉइंट में डी एक्स स्क्वायर प्लस का आपका लगा 25y = 0, यह आपका फंक्शन एडिट करेगा जब भी कुछ ऐसा था इसका ऑप्शन क्या होता है 0 होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 3 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, चलिए तो उम्मीद है चीजें क्लियर होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम इस टाइप के और क्वेश्चनों की, आज के लिए आपके लिए काफी है, ठीक है, इन्हें क्वेश्चनों प्रैक्टिस कीजिए और बिलीव मानो कि अब तक जो भी चीज पढ़ रहे हैं ना सभी हमारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर इस तरह से रिविजन चल रही है हमारी 12th की, वो इस रिविजन में आपको दम दिखाना है कि कितना आपके पास दम है पावर है, आपने कहां से क्या पढ़ा है उसका जोर लगा दो, हमारे चैनल पे मोहर लगा दो, प्लीज वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने फ्रेंडों के पास शेयर करना, व्हाट्सएप का लिंक है उसे लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप में ऐड हो सकते हो, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन लेके, थैंक यू वेरी मच।